नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट टू 63a² - 112b². अब देखो बच्चों, ए को तो हम भाई ए स्क्वायर को तो हम मानेंगे, हाँ भाई ए का स्क्वायर है। 63 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, प्रॉब्लम है। 112 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब क्या करें? तो सबसे पहला काम आप ये किया करिए, देखिए कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है कहीं। तो बच्चों ध्यान दें, क्या कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है? आ तो रहा है, कैसे? इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो नंबर्स हैं इसके प्राइम फैक्टर करने होंगे। 63 को आप क्या लिखोगे? देखिए सबसे पहले ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 7 जा, फिर 7 1 जा। हो गए स्टूडेंट्स? तो आप देख सकते हो 63 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 6। देख लीजिए 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7। 3 इंटू 7, 3 3 जा 9, 9 7 जा, देखो 3 3 जा 9 होता है और 9 7 जा 63 होता है। यानी कि 63 को 3 इंटू 7 लिख सकते हो। यस सर। तो 63 को क्या लिखा हमने, 3 इंटू 7। अब ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हो, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, हम ए स्क्वायर ही रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ए है, यहाँ बी है, कुछ भी कॉमन नहीं होगा वेरिएबल में, तो छोड़ दो उसको। माइनस 112 के प्राइम फैक्टर करिए, 112 के प्राइम फैक्टर। ओके, सो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, 2 5 10 बन जाएगा, 2 6 12, फिर 2 2 4, फिर बन जाएगा 2 8 16, फिर 2 1 2, 2 4 8, फिर 2 7 14, और लास्ट में 7 1 7। करेक्ट। यानी कि 112 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ओके, सो माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, इंटू में बी स्क्वायर। सो इंटू में बी स्क्वायर हो गए, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब देख लो बच्चों, फर्स्ट ये रहा फर्स्ट टर्म और ये रहा सेकेंड टर्म, क्या कॉमन है? 7। तो 7 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 3 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर, और माइनस यहाँ से 7 चला गया, भाई यहाँ भी 7 है कॉमन, फर्स्ट टर्म में भी 7 है, सेकेंड टर्म में भी 7 है, बाहर आ गया, यहाँ बचेगा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में क्या है, बी स्क्वायर। ओके, सो इसको हटा देते हैं, थोड़ी जगह की ज़रूरत है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, 7 आ गया बाहर, नाउ 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9, फिर ए स्क्वायर, माइनस 2 2 4 2 8 2 16, 16 इंटू बी स्क्वायर। करेक्ट। अब कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट कर रहे होंगे, आप कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो कुछ बच्चों ने इसको डायरेक्ट किया होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपका अच्छा प्रैक्टिस है तो ऐसे भी आप कर सकते हो, इसको कॉपी करो, 63 ए स्क्वायर - 112 बी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे कि भाई 7 कॉमन आ रहा है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। 63 को बच्चों ने लिखा होगा 7 इंटू 9, और 112 को लिखा होगा 7 इंटू 16, है ना, लिखा कि नहीं बहुत सारे बच्चों ने, कमेंट करके बताओ। अब देखो फर्स्ट टर्म में 7, सेकंड टर्म में 7, तो आ गया 7 कॉमन डायरेक्ट आपके पास। फर्स्ट टर्म में बचेगा 9 ए स्क्वायर - 16 बी स्क्वायर। बच्चों आपको सोचो, 7 9 63 होता है, 63 को 7 इंटू 9 लिखा, 112 7 इंटू 16, यानी कि 16 7 112 होता है, तो 112 को 7 इंटू 16। प्रैक्टिस करते करते पता चल जाता है, हाँ भाई 7 कॉमन आ रहा है, तो इसको भी हमने 7 और समथिंग के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। जैसे करना है आपको वैसे कर सकते हो, ठीक। बहरहाल ये आ गया आपके पास। ओके, कॉपी करिए फटाफट, कॉपी करिए स्टूडेंट्स, कर लिया तो सुनो, इसका मतलब ये है कि जब हमने इस ब्रैकेट में से 7 कॉमन लिया, तो हमें यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या बचा, 9 ए स्क्वायर, और माइनस सेकेंड टर्म में क्या बचा, 16 बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक्सप्रेशन ऐसे चेंज हो गया। अब ध्यान दें, अब 7 तो ऐसे ही रहेगा, ये जो मिला हुआ है ब्रैकेट में इसके फिर से फैक्टर कर लेंगे हम लोग। कैसे? क्योंकि 9 ए स्क्वायर एक, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 का स्क्वायर है, और 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिल रहे थे 63 और 112, अब वो 7 कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गए। ओके, सो इसको हम आपको अलग से सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक। नाउ 9 ए स्क्वायर - 16 बी स्क्वायर। 9 ए स्क्वायर को क्या लिखोगे आप? 9 ए स्क्वायर को आप लिखोगे 3 ए का होल स्क्वायर
क्योंकि ए स्क्वायर थ्री को मिलेगा, थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, ए स्क्वायर ए को मिलेगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, नाइन ए स्क्वायर को थ्री ए स्क्वायर, ठीक। सिक्सटीन बी स्क्वायर को क्या लिखोगे, सिक्सटीन बी स्क्वायर को क्या लिखोगे बच्चों, सिक्सटीन फोर का स्क्वायर होता है, फिर बी लिखेंगे और पूरे पे स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर फोर को मिलेगा, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन होता है, ये स्क्वायर बी को मिलेगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, सो सिक्सटीन बी स्क्वायर को फोर बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ओके। सो यहाँ से हो जाएगा, देखिए इसको हमने क्या लिखा, इसको हमने लिखा, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, नाइन ए स्क्वायर को थ्री ए का होल स्क्वायर माइनस सिक्सटीन बी को फोर बी का होल स्क्वायर, ओके। तो ऐसा कुछ आ गया। अब इसको फैक्टराइज कैसे करोगे, हमने पढ़ा है बच्चों क्या, इसको रब कर दूँ, यहाँ पे हमने पढ़ा है ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ओके। नाउ अब आप देखिए आपके पास क्या है, थ्री ए का स्क्वायर माइनस फोर बी का स्क्वायर है ना, सो थ्री ए का स्क्वायर माइनस फोर बी का स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए की जगह थ्री ए, सो ए की जगह थ्री ए आएगा और बी की जगह फोर बी, सो बी की जगह फोर बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो थ्री ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर, ए की जगह क्या आएगा थ्री ए, सो थ्री ए माइनस बी की जगह फोर बी, थ्री ए माइनस फोर बी इंटू ए की जगह थ्री ए और बी की जगह फोर बी, थ्री ए प्लस फोर बी, थ्री ए माइनस फोर बी, थ्री ए प्लस फोर बी, ओके स्टूडेंट्स। सो आपने देखा क्या कि इसके जो फैक्टर आ गए किसके, नाइन ए स्क्वायर माइनस सिक्सटीन बी स्क्वायर के जो फैक्टर आ गए वो आ गए थ्री ए माइनस फोर बी और दूसरे ब्रैकेट में थ्री ए प्लस फोर बी, बस अब कुछ नहीं करना है। फाइनली आप आंसर कैसे करोगे, आप यहाँ तक पहुँच गए थे, सेवन को आप ऐसे ही लिखोगे और इसकी जगह इसके फैक्टर लिखो, नाइन ए स्क्वायर माइनस सिक्सटीन बी स्क्वायर के फैक्टर्स क्या हैं, ये हैं बच्चों थ्री ए माइनस फोर बी और दूसरे ब्रैकेट में थ्री ए प्लस फोर बी, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, सेवन इन द ब्रैकेट थ्री ए माइनस फोर बी इन द ब्रैकेट थ्री ए प्लस फोर बी, ओके। प्लीज़ नोट कर लीजिए।